देखो, रिएक्शन विद एसिड जो रहता है ना, उसमें मेटल किसके साथ दिया करेगा? एसिड के साथ, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये सेम रिएक्शन में एसिड बेस सॉल्ट्स में भी पड़ी है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि मेटल जो रहता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। सिमिलरली जब हम लोग अभी वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन देखी थी तो मेटल प्लस वाटर रिएक्शन होती थी, लेकिन नॉन मेटल प्लस वाटर कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। नॉन मेटल प्लस वाटर कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। यही रीजन होता है कि फॉस्फोरस को आप हवा में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन फॉस्फोरस को आप पानी में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि वो नॉन मेटल होता है तो वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब देखो, सॉल्ट और वाटर है तो NaHCl क्या देगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन, K प्लस HCl, KCl प्लस हाइड्रोजन, Ca प्लस HCl वुड गिव मी CaCl2 प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम MgCl2 प्लस जिंक प्लस HCl वुड गिव मी ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम और आयरन AlCl3 FeCl3 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग H2SO4 का रिएक्शन देखेंगे, किसका? H2SO4 का, तो H2SO4 के केस में क्या होगा? H2SO4 के केस में क्या होगा कि सल्फेट बनेगा। जैसे वहां पे क्लोराइड बन रहा था, वैसे यहाँ पर क्या बनेगा? सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और आयरन सल्फेट। मुद्दा यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो मेटल्स होते हैं वो जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, व्हाई? तो हमने कहा कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कुछ अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता भी है, कुछ अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता भी है तो वो उसको ऑक्सीडाइज करके, ऑक्सीडाइज मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन ऐड करके उसको काय में कन्वर्ट कर देता है वाटर में, और खुद रिड्यूस हो जाता है टू वन ऑफ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आपने कॉपर को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट तो बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, क्योंकि अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई भी तो वो इवेंचुअली ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगी? वाटर बना लेगी और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगी, कोई सा। क्लियर? लेकिन कुछ एलिमेंट्स जैसे कि मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ये बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अपने आप में क्या होता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वहां पर क्या होगा? हो सकता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज होती है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता हाँ है? जब एक मेटल एक दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है दूसरे मेटल सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, दूसरे मेटल सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या बोलता है? चल भग, और वो दूसरा वाला भग जाता है और मेटल क्या करता है? उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेता है। तो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, इट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन। ये हम लोगों ने चैप्टर वन में पढ़ी थी। फिर मुद्दा आता है रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? तो हमने कहा इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या आएगा? रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर ऊपर आएगा, आएगा, और जो कम रिएक्टिव होगा वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे नीचे आएगा। आएगा। आई बात समझ में? बोलो, कोई परेशानी? अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो हम लोगों ने लिखी थी, याद है? पोटैश सबसे पहले आएगा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। इंदिरा हाँ, लेड और टिन भी था, ठीक है, पीबी और एसएन हाइड्रोजन के पहले। बोलो, कोई परेशानी? यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? खत्म।